न्यूक्लियर इंजीनियरिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ बम बनाने या एनर्जी बनाने तक के महदूद नहीं है मैंने ये इस बात का पहले भी इजहार किया था इस, ये जो है इसमें इतनी सारी खसूसियात हैं कि उसको लेके हम बहुत सारी चीज़ों में काम कर सकते हैं हम इसको मटेरियल कैरेक्ट्राइजेशन के लिए काम कर सकते हैं जो बहुत सारी स्ट्रक्चरल कैरेक्ट्राइजेशन मटीरियल्स की होती हैं वो न्यूक्लियर न्यूट्रॉन uh, से होती हैं बड़े बड़े लैब्स लगी हुई हैं अमेरिका में एक है नस्ट जिसमें न्यूट्रॉन से लेके सारा काम मटेरियल स्ट्रक्चर का करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा काम है और उसके अलावा मेडिसिन में मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारी उसकी एप्लीकेशन है थेरेपी में उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है ये कि एग्रीकल्चर के अंदर उसकी सारी बहुत सारी एप्लीकेशन है तो वो सारी चीज़ें ये हैं यकीन तो मैं सारी चीज़ें तो नहीं समझाऊँगा मेडिसन वाली बात न्यूक्लियर वेपन की तो मैंने आपको बता दी मटीरियल रिसर्च वाली बात भी सुन लें लेकिन मैं उसकी तफसील नहीं बताऊँगा एग्रीकल्चर स्ट्राइलाइजेशन बहुत छोटे तरीके से ये कि एक मक्खी है जैसे कहते हैं uh, वो मक्खी ऐसी है कि वो जाके सारे फ्रूट उसको कहते हैं फ्रूट फ्लाई फ्रूट फ्लाई से वो अगर किसी फल पे बैठ गई तो फल पूरा ख़राब हो जाता है तो ये साउथ से अब वो चल रही है अब जैसे जैसे गर्मी हो दुनिया थोड़ी सी गर्म होती जा रही है वो ऊपर आती चली आ रही है पहले मैक् मैक्सिको में थी अब अमेरिका में आ रही है वो चीज़ें तो अब उनका खात्मा कैसे करें उसका एक तरीका ये है कि वो जो उसकी जो फीमेल है ना उसको स्टेरलाइज कर दें रेडियो एक्टिविटी से रेडियो एक्टिविटी से स्टेलाइज होगी तो उसके बच्चे नहीं होंगे तो वो सारी पूरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी तो वो एक तरीक़ा ये एग्रीकल्चर में ये है उसकी कॉन्ट्रोवर्सी भी है क्योंकि अगर वो जो किस कि, जिस रेडियो एक्टिविटी से उसको स्टेरलाइज किया वो किसी केले के तरफ पे पहुंच गई तो केले के अंदर वो रेडियो एक्टिव आ गई तो हम उसे कंज्यूम करेंगे ना तो उसका क्या होगा तो ये कोई वो है लेकिन ये इस ये ऐसी एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि एग्रीकल्चर में भी उसको इस्तेमाल किया जाए लेकिन ज़्यादातर मैं जो बात करूँगा वो मेडिसिन के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है इस चीज़ के लिए अब उसके लिए डायग्नोस्टिक एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था डायग्नोस्टिक का के आ, जैसे थैलियम था उसको स्ट्रेस टेस्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं मैंने एक मॉड्यूल में आपको समझाया था कि उसको ले कर और फिर वर्जिश करें फिर कैमरे से अपने सारी तस्वीरें लें कि कहाँ पर ब्लॉकेज है ख़ास तौर पर हार्ट के लिए उसका काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है और फिर ये कि हर चीज़ जो है ना हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके एक ख़ास जगह है वहाँ पर जाती है जैसे था आयडाइन है आइडाइन जो है वो थायरॉइड में जाता है ठीक है वो खास उनकी एक हमारी फिजियोलॉजी ऐसी है कि वो एक ख़ास जगह ले जाके रखती है फॉसफोरस है वो कहाँ फॉस्फरस का तो आपको पता ही होगा वो बोन्स में जाता है ज़्यादातर वो हमने पुरानी कहानियाँ सुनी थी कि किब्रस्तान में गए तो वहाँ ऐसी ला, लाइट जल रही थी वो लाइट क्या थी वो पुरानी खबरें थी उनकी बोन्स जो थे वो बाहर आ गए थे वो फॉस्फ़रस जो था वो बर्न करना शुरू हो गया तो उससे रोशनी निकलनी शुरू हो गई तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो जिन है या भूत हैं जिन ज़रूर होते हैं हमारे उसमें लेकिन ये यहाँ नहीं होता कब्रस्तान में नहीं बैठे होते हैं कि लोगों को डराएं तो वो 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 फॉस्फोरस बोन में जाती है पोटेशियम जो है पोटेशियम मसल्स में जाता है अपने जितने भी सारी मसल्स हैं तो जहाँ यहाँ कमी हो जाती है मसल में ख़राबी हो जाती है बोन में ख़राबी हो जाती है फिर एक्स्ट्रा पोटेशियम एक्स्ट्रा कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह देते हैं इन सब के लिए तो इस चीज़ को यूज़ करके फिर उसकी वो uh, uh, जो डायग्नोसिस करते हैं क्या आप अगर आपकी बोन में कोई प्रॉब्लम है तो आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसमें फॉस्फोरस uh, है वो आप बोन में चली गई उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है वो कैमरे से उसकी तस्वीर ले, ले लेते हैं पता चल जाता है कि यहाँ पर थोड़ी सी पहुँच नहीं रही किसी वजह से तो फिर क्या प्रॉब्लम है उनको कोई कैंसर वाला इशू है या कोई और इशू है वो सारी चीज़ें इससे फिर डायग्नोज हो जाती हैं किडनी का स्कैन में भी इस्तेमाल होता है जितनी भी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है ना जिसमें इमेजिंग आती है हार्ट का है किडनी का है किसी लिवर का है तो उस सारे के अंदर स्पेसिफिक रेडियो आइसोटोप डालते हैं और उससे फिर उसका इमेज ले, ले लेते हैं अब मैंने हाफ लाइफ की की कहानी तो आपको पहले सुना दी थी कि अगर उसकी हाफ़ लाइफ ज़्यादा ना हो तो कुछ ही घंटों में वो बिल्कुल आपके दिमाग आपके बदन से खारिज हो जाता है तो आपको कोई उसका और इफेक्ट नहीं होता लेकिन आप सारी हर जगह की तस्वीर ले सकते हैं ठीक है वो वो सारी डायग्नोसिक डायग्नोस्टिक का इस्तेमाल है ये थेरा थेराप्यूटिक का इस्तेमाल ये है कि जो अब मसला है कैंसर का फॉर एग्जांपल अब कैंसर का ये है कि अगर फ़र्श कीजिए मुझे कैंसर है अंगूठे में एक एग्जांपल दे रहा हूँ है ना अब मैं दवा खाई तो दवा अंगूठे में तो नहीं जाती ना सिर्फ दवा तो इस वाले अंगूठे में भी गई उस वाले अंगूठा तो वो तो बिल्कुल ठीक था वो इधर भी जानी इधर थी वो गई इधर थोड़ी इधर भी गई होगी लेकिन इधर भी गई है अब वो दवाएं ऐसी होती हैं जिनका असर कोई इतना अच्छा नहीं होता सारी बॉडी पे आपने तो देखा ही होगा कि जो सेल जो होते हैं वो उसका दवाओं का मकसद ये होता है कि जो सेल जो होते हैं ना कैंसर को उनको मार दें कैंसर के सेल जल्दी मर जाते हैं दवाओं से या शुआओं से दोनों से लेकिन वो उसके साथ साथ बाकी सेल भी मर जाते हैं इस वजह से जो जिन केमिकल रेडियो केमिकल थेरेपी कीमोथेरेपी जिसे कहते हैं वो उससे लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि सेल्स जा, जा बंद हो जाते हैं सेल मर जाते हैं तो इसका ये तो कीमोथेरेपी का ये मसला होता है तो अब रेडियोथेरेपी की बात करें ना तो रेडियोथेरेपी में तो मैं इसको ऐसे पॉइंट करता हूँ कि बिल्कुल माइक्रॉन टेन टू माइनस सिक्स मीटर तक के उतना रेजोल्यूशन में जाके उसको ट्रीट कर सकें ये बहुत लोगों का टेस्टिकुलर कैंसर होता है मर्दों में काफ़ी आम होता है ये चीज़ तो वो जाके बिल्कुल या ब्रेस्ट कैंसर का होता है तो उसमें बिल्कुल एक ये नहीं कि सारे को एक्सपोज़ करें वो चूँकि ये, रे, 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 ये ना मै, रेडियो मैग, रे, मैग, ये, मतलब रेडिएशन है ना तो इनको बिल्कुल बड़ी आसानी से फोकस कर सकते हैं कि कहाँ जाना है इन्होंने तो वो फो फोकस यही कि वो एक लिया उसमें एक छोटा सा सुराख बना लिया लेड ली उसमें छोटा सा सुराख बना लिया उसमें फ़ोकस करके डाल दिया तो सिर्फ उसी जगह जाएगा और किसी जगह नहीं जाएगा अब जैसे मैंने कहा कि कैंसर के जो सेल होते हैं वो कमज़ोर होते हैं वो बढ़ते तो बहुत तेज से हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं उनको ज़्यादा टेम्परेचर हो गया ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगी ज़्यादा केमिस्ट्री होगी तो वो मर जाते हैं आसानी से सबको मारना बड़ा मसला होता है वो अलग चीज़ है वो जो म्यूटेट अगर हो जाए और दूसरी जगह चले जाएँ तो वो तो फिर आ, मौत का तो कोई इलाज ही नहीं है ना तो वो तो है लेकिन बाकी उसके अलावा उसको ट्रीटमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है तो ये उनके लिए डायरेक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडिएशन ये रेडियो एक्सपोजर से रेडियोथेरापी से कैंसर को भी ट्रीट करने का एक इनके पास बहुत सा है ये थायराइड डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी है इससे थायराइड जो है वो आपके गले के नीचे है तो अगर आप आयोडाइन ले, ले लेंगे तो आयोडाइन जो है थायराइड में चली जाती है और उसकी वजह से वो उसको जितना भी वो कैंसरस मामला होता है ना जो सेल जो ग्रो हो रहे हैं उल्टे सीधे तरीके से वो उनको ख़त्म करके ठीक कर देती है जितना ठीक हो सकता है उतना ठीक हो जाता है तो ये कुछ इमेजिंग के अलावा जो थेरापेटिक यूज़ हैं वो ये भी हैं और न्यूक्लियर बैटरीज का तो आपने सुना होगा बाज लोगों का जो हार्ट प्रॉब्लम होता है वो हार्ट ऐसा होता है इसकीमिया जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी एकदम से रिदम जो है वो ऑफ हो जाती है तो आम शो आ, आम आदमियों के लिए तो अगर वो ऑफ हो गई तो आप आप आमतौर पर होता है मुझे भी होता है एकदम से बुड़ हुआ कोई तो वो फिर ठीक हो जाता है ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है बाज़ लोगों का जो है ना वो ठीक नहीं होता फिर उनको बिजली से करंट लगाना पड़ता है करंट लगाने से फिर वो एकदम से अपनी राह रास्त पर आ जाता है दिल तो वो अगर कोई किसी खूबसूरत चीज़ नजर आ गई एकदम से फिर वो दिल खराब हो गया तो वो उसको ठीक करने के लिए उसको शौक लगाना पड़ता है अब वो शौक ऐसा तो नहीं कि आप वो आ, कोई कोई अच्छी सी चीज़ देखी तो अब दौड़ के अस्पताल गए कि जी शौक़ लगाना है मुझे मेरा तो दिल खराब हो गया है तो उसके लिए अंदर ही वो एक बैटरी लगा देते हैं छोटी सी अब वो बैटरी अगर ये ड्यूरासल वाली बैटरी होगी तो एक साल चलेगी उसके बाद दोबारा क्या दोबारा निकालेंगे तो हर साल वो एक ज़िप लगाना पड़ती है कि उसको निकालें मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसा जिप नहीं लगती तो उसमें रेडियो एक्टिव बैटरी लगा देते हैं रेडियो एक्टिव बैटरी का तो आपने देखा है कितने साल तक के चलती है तो वो चलती रहती है चलती रहती है जब इंसान की उम्र एवरेज उम्र से ज़्यादा उनकी बैट, बैटरी की लाइफ होती है तो वो इस तरह का अगर उनको कोई ज़रूरत हो थेराप्यूटिक्स ज़रूरत कि जिससे शौक दे के उनके हार्ट की रिदम दोबारा बराबर कर दी जाए तो वो इस तरीके से बहुत आसानी से की जा सकती है